Welcome students, today we will see the remaining part of reproductive health chapter from class 12th. In previous video we have seen about the methods different like chemical methods for contraceptives. In this video we will see the another point related with reproductive health, that is amniocentesis. So first we will understand that what is amniocentesis. So amniocentesis is the prenatal diagnostic technique. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक मीन्स क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो बन मतलब जन्म लेने के पहले ही उसके ऊपर डायग्नोसिस किया जाता है उस टेक्निक से. सो व्हाट पर्पस टू फाइंड आउट एनी डिफेक्ट्स इट इज हैविंग एनी सीवियर डिफेक्ट्स और नॉट. फॉर दिस पर्पस दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स आर यूटिलाइज्ड. तो एक्चुअल में इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि ये जो बेबी के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है टेक्निक यूज किया जाता है प्रोसीजर. तो उसके अंदर तो फर्स्ट प्रोसीजर इज दैट ये जो भी पूरी टेक्निक है वो सभी एक अंडर ऑब्जर्वेशन में की जाती है. मींस सम स्पेशलाइज्ड पर्सन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स टेक्नीशियंस वॉज यूटिलाइज्ड फॉर दिस टेक्निक्स. ऐसे दिखने में तो ये सिंपल तीन स्टेप में देखेगी लेकिन बहुत ही नाजुक रहते बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही परफेक्ट ये टेक्निक करना जरूरी होता है. अदरवाइज द हार्म विल हैपन्स विद द प्रीनेटल बेबी ऑल्सो. ओके तो यहां पर क्या होता है कि ये जो पूरी टेक्निक है बहुत ही प्रॉपरली तरीके से करना जरूरी होता है. सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट प्रोसीजर दैट फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट थिंग दैट एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट. सो अगर हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का ओके सो उसके अंदर से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है विच इज प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स. ओके सो दैट एमनियोटिक फ्लूइड वॉज टेकन फॉर दिस टेक्निक. एंड हाउ मच इट इज टेकन इट इज वेरी वेरी लेस क्वांटिटी बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया जाता है छोटी सी नीडल से. दैट इज 50 ml ओनली अप्रोक्सीमेटली 50 ml या उससे कम होता है उससे ज्यादा नहीं लिया जाता. सो व्हाट हैपन दैट फ्लूइड वॉज टेकन आउट. तो उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है जो फीटल सेल्स होते हैं दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन दैट फ्लूइड. जो एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है उसके अंदर वो फीटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो फीटल सेल्स होते हैं दे हैव टेकन सेकंड स्टेप इज फीटल सेल्स कल्चर्ड इन विट्रो. इन विट्रो मीन्स इन साइड द लेबोरेटरी एंड आउटसाइड द बॉडी मीन्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी फ्रॉम दैट एमनियोटिक फ्लूइड दैट प्रीनेटल बेबी का जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड वहां से हमने वो सेल्स लिए हैं. अब उस सेल को कल्चर किया जाता है बाय गिविंग द सेम इन्वायरमेंट. जो इन्वायरमेंट मदर के बॉडी के अंदर उसको प्रोवाइड किया जाता है वही इन्वायरमेंट हम इनविट्रो में देते हैं लेबोरेटरी में देते हैं बट वी आर कल्चरिंग देम. ओके एंड देन वो कल्चर करके क्या किया जाता है थर्ड स्टेप किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइपिंग. What is karyotyping? It is the one another technique that ये जो सभी cells हमने लिए है fetal cells these all cells are having mitotic division. और यहां पर क्या होगा mitotic division है मतलब सभी cell के अंदर जो genetic material है वो same रहेगा. So what happened that karyotyping is third technique or third step. So what is karyotyping that in this cell division is arrested in metaphase. So यहां पर क्या है chromosomes जो होते हैं द क्रोमोजोम्स आर थिक. ओके तो ये जो क्रोमोजोम्स है उनको स्टेन किया जाता है फिर बाद में उसकी पिक्चर ली जाती है. मीन्स दीज क्रोमोजोम्स आर टेकन देन स्ट्रेन्ड एंड देन पिक्चर्स आर टेकन एंड दे आर अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक मैनर. मतलब कैरियोटाइपिक टेक्निक क्या है कि जो भी हमने फीटल सेल्स लिए है बेबीज के पास से वो सेल्स को स्टेन किया जाता है पहले स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है फिर उसके पिक्चर लिए जाते हैं मींस फोटोग्राफ लिए जाते हैं और फिर उनको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है सिक्वेंसली. देन वो सिक्वेंस जो है वो प्रॉपरली उसके ऊपर स्टडी की जाती है. अब उसके अंदर अगर उस क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुछ मिल गया सो डॉक्टर्स विल फर्दर ट्रीट टू दैट मदर. ओके सो यहां पर इस टेक्निक में हम देखेंगे कि ये जो कैरियोटाइपिक टेक्निक है उसके अंदर से हम क्या क्या देख सकते हैं या फिर क्या क्या यूज है इस टेक्निक का. व्हाट कैन बी डिफेक्ट बाय दिस. फर्स्ट थिंग इज दैट कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट मींस वी कैन फाइंड आउट द कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट और वी कैन से क्रोमोजोमल डिफेक्ट्स. बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो क्रोमोजोमल रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं ऑल वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस टेक्निक. फॉर एग्जाम्पल all normal human beings are having the
पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. फॉर एग्जाम्पल इस एमनियोटाइपिक कैरियोटाइपिंग टेक्निक के अंदर हमने इसको अरेंज किया है सिक्वेंसली. दिस इज फर्स्ट पेपर पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, लाइक दिस ऑल. एंड इफ वी विल से दैट दिस इज 21st पेयर, ओके. तो ये जो पूरे क्रोमोसोम्स हैं उनको अरेंज किया है हमने प्रॉपरली 1, 2, 3, 4 लाइक. एंड सपोज 21st नंबर की जो पेयर है वहां पर अगर गलती से एक और पेयर एक्स्ट्रा आ गई क्रोमोसोम की, ओके, मीन्स यहां पर जो है क्रोमोसोम का और एक्स्ट्रा पेयर एक आ गई, सो व्हाट विल हैपन, इट इज हैविंग ट्राइसोमी. मतलब क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी. मीन्स 46 क्रोमोसोम के अंदर अगर 21st क्रोमोसोम के अंदर उस इंडिविजुअल के अंदर अगर वो पेयर प्रॉपरली नहीं है, वहां पर कुछ डिफेक्ट आ गया, सो वी कैन से दिस कंडीशन दैट इट इज ट्राइसोमी. और ये जो डिसीज होता है उसको क्या होता है, इट इज रिजल्टिंग टू द डाउन सिंड्रोम, ओके. तो ये डाउन सिंड्रोम नाम का डिसीज होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये डाउन सिंड्रोम कैसे होते हैं, क्या है उसके सिम्टम्स, क्या है ये सब कुछ, ओके. एंड दिस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि वो 21st क्रोमोसोम से रिलेटेड है. ये एक टेक्निक है, बाय यूजिंग दिस कैरियोटाइपिंग टेक्निक वी कैन डिटेक्ट. देन सेकंड थिंग दैट वी कैन यूज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑल्सो, बाय यूजिंग दिस कैरियोटाइप टेक्निक वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दैट बेबी ऑल्सो, ओके. एज वी नो दैट एक्स वाई इफ क्रोमोसोम्स आर देयर द बेबी विल बॉय, द एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर देन दैट बेबी विल बिकम गर्ल, ओके. बट इन सम कंडीशंस यहां पर क्या होता है कि दे एक्स एक्स एंड एक्स्ट्रा वाई इज देयर, ओके, या फिर एक्स एक्स वाई है. यहां पर क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, 3 क्रोमोसोम्स है. सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, 2 ही रहेंगे, आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई, बट इन दिस केस एक्स एक्स वाई इज देयर, दैट मीन्स दैट बेबी इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. ये डिसीज भी, या ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जहां पर क्रोमोसोम क्या होता है, डिफरेंट होगा, जो प्रॉपरली नहीं होगा, ओके. थर्ड टाइप है यहां पर, दैट इज इफ ज्यादा हो गए तो भी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, एंड इन दिस केस इफ देयर इज ओनली 1 क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एक्स वाला, और बाकी से दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 0. सो यहां पर क्या है, दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, उसको हम बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम, ओके. सो ऑल दीज आर डिफेक्ट्स वी आर गेटिंग बिफोर द बर्थ ऑफ दैट बेबी, एंड हाउ, बाय यूजिंग दिस कैरियोटाइपिंग टेक्निक, ओके. यहां पर क्या होता है कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इन इंडिया इट इज बैंड फॉर एवरीवन्स यूज, ओनली इन द केस ऑफ विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स परमिशन इट इज यूटिलाइज्ड, ओके. सो यहां पर क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए जो भी बेबीज होते हैं तो उनके अंदर अगर जनरली गर्ल्स हो गए, एक्स एक्स अगर हो गए, तो सो मेनी पीपल्स आर ट्राइंग टू kill them, okay. So that thing is called as female feticides, okay. There are different reasons, their mentality or their problems, all these society problems, ये बहुत सारे reasons है जो female feticides को improve करते हैं या फिर increase करते हैं. So to avoid that, to stop these things, government has banned. So क्या होता है कि ये जो male and female sex ratio है, ये जो female feticides की वजह से बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया है. जब भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो उन्होंने रिजल्ट दिया होता है, तो उन्होंने कैरियोटाइपिंग की है, इन केस वहां पर क्या हो गया कि जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर किया है, तो ये पूरे सपोज क्रोमोसोम्स के नंबर है एक्स वाई और एक्स एक्स, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वहां पर वो कुछ तो लेबलिंग करते हैं या फिर राइट करते हैं, वहां पर राइटिंग करते हैं या फिर कुछ वहां पर चिपका के देते हैं, जिसकी वजह से आपको वो डिटेक्ट नहीं होता है कि आइदर इट इज मेल और फीमेल, ओके. जो रेशोज है उसका, सपोज 1000 मेल है तो 934, और कुछ स्टेट्स के अंदर तो 1000 के साथ में रेशो है 700, मीन्स बहुत ही कम फीमेल का रेशो वहां पर पाया जाता है. ये जो डिफरेंसेस है वो भी कैरियोटाइपिक के वजह से, इस वजह से ये बैन किया गया है. सिर्फ बहुत ही हार्ड कंडीशंस में, जो कि डॉक्टर्स को अगर ऐसे लगा कि इस बेबी को बहुत ही प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन फ्यूचर, तभी वो यूज किया जाता है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ और इन द परमिशन ऑफ प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स. थर्ड थिंग इज दैट बाय यूजिंग कैरियोटाइपिंग वी कैन डू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो, मीन्स वी कैन फाइंड आउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो.
फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इसके अंदर क्या हो रहा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर, कि एक एंजाइम होता है जो कि जो प्रॉपरली प्रोटीन प्रोडक्शन करने का काम करता है, वो यहाँ पर काम नहीं करता। सो बाय डिटेक्टिंग बाय विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजोम्स वी कैन डिटेक्ट दैट डिसऑर्डर्स ऑल्सो। सो ऑल दीज डिसऑर्डर्स आर यूज बाय द हेल्प ऑफ कैरियोटाइपिंग। और ये जो सब कुछ है ये सभी किसके अंदर इंक्लूड है, एमनियोसिंथेसिस प्रोसीजर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इन रिमेनिंग चैप्टर वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।